अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ANY न्यूज नेटवर्क। मैं हूं मोहम्मद एहसन। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं सहीवाल से। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रिंसल दाऊसन की रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली 142, सूबाई असम्बली 198, रहनुमा पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग हाजी कैसर सरदार रामी ने कहा है कि आज कमीर शरीफ में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और सस्ती रोटी स्कीम का इफ्तिताह होगा, जिसमें मकामी रहनुमाओं के अलावा अवामी समाजी तजारती शख्सियात और कारकुनान कसीर तादाद में शिरकत करेंगे। इफ्तिताही तकरीब बाद नमाज असर इस्लामपुरा कमीर शरीफ में होगी। इन ख्यालात का इजहार हाजी कैसर सरदार आमे ने मरकजी रहनुमाओं मकामी रहनुमाओं मोहम्मद अरशद नवाब जट NA 143, चौधरी मोहम्मद शमशाद PP 198, मीरदाद माफी साहिवाल जिलई सदर राना रिजवान अरशद एडवोकेट के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। अलहाज मियाँ कैसर सरदार आमे ने कहा कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का मंशूर फलाही समाजी दफाई कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। मरकजी सदर खालिद सिंधु नायब सदर खालिद बिन वलीद की क़यादत में अल्हम्दुलिल्लाह मुतहिद हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इंतखाबी मुहिम तेज़ कर दी है। आवाम 30 अप्रैल को हमारे इंतखाबी निशान कुर्सी पर मोहर लगा कर हमें कामयाब करें। आपके कीमती वोट से इंशाल्लाह हम जीत कर पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। इस मौके पर हल्का 199 की आवाम ने हाजी मियाँ कैसर सरदार रामी की हिमायत का ऐलान भी किया।